लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई यूथ कांग्रेस ने आज अपने नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर नवी मुंबई के कई ठिकानों पर खाद्यान्न किट का वितरण किया। जिलाध्यक्ष सुबिन बाबू थॉमस के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कोपर खेरने और सानपाड़ा में जरूरतमंदों के बीच जाकर उन्हें राशन किट की मदद बांटी। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस और पदाधिकारियों ने कहा कि आज जनता लॉकडाउन की आर्थिक तंगी से परेशान है, ऐसे लोगों को कांग्रेस मदद का हाथ बढ़ाकर राहत देने की एक छोटी सी कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई यूथ कांग्रेस ने आज अपने युवा नेता सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन पर मदद का अभियान चलाया। नवी मुंबई यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबिन बाबू थॉमस के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी का जय घोष लगाते हुए कोपर खेरने के बोनकोड़े इलाके में जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया। इसके साथ ही सानपाड़ा सेक्टर 4 के इलाके में भी यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष सुबिन थॉमस, प्रदेश महासचिव और नवी मुंबई के प्रभारी अभिजीत सिवनकर, प्रदेश प्रवक्ता आनंद सिंह बंटी, जिला महासचिव सुदर्शन सावंत, सिराज सैयद और आफरीदी शेख समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पदाधिकारियों ने यहाँ अपने नेता राहुल गांधी का गुणगान करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।